Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel Kiran Punia. Let's start our study with smiley face and fresh mind. आज हम exercise 11.3 के question number 14, 15 and 16 discuss करेंगे. Question number 14 is a circular flower garden has an area of 314 meter square. एक flower का garden है जो किसकी shape में है? Circle की shape में है. और इस गार्डन का एरिया है 314 मीटर स्क्वायर. अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस 12 मीटर. इस गार्डन के सेंटर में एक पानी छिड़कने के लिए एक फारा लगाया गया है, स्प्रिंकलर बोलते हैं जिसको. और वो क्या करता है, सेंटर से शुरू करके 12 मीटर तक की रेडियस को क्या करता है, कवर करता है. विल द स्प्रिंकलर वॉटर द एंटायर गार्डन. जो स्प्रिंकलर है क्या वो पूरे गार्डन में पानी फेंक सकता है या नहीं फैला सकता है? तो अगर आपकी रेडियस आ जाए, यहाँ पे एरिया आपको गिवन है सर्कल का, अगर इसकी रेडियस आ जाए तो हमारे पास इस सर्कल की रेडियस आ जाएगी, इस गार्डन की रेडियस आ जाएगी. अगर गार्डन की रेडियस 12 मीटर होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरे में ये कवर कर सकता है. अगर 12 मीटर नहीं हुई तो कवर नहीं करेगा. सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वेयर. पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 रेडियस का स्क्वेयर. ये है हमारे पास 314 मीटर स्क्वेयर एरिया, यही गिवन था आपको. रेडियस का स्क्वेयर यहां से क्या आ जाएगा, 314 मल्टीप्लाई में ये 22/7 है, वहां जाएगा तो 7/22 हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका. ठीक है, पाई की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में 3.14 दी गई है, तो हमें पाई की वैल्यू क्या यूज करनी पड़ेगी, 3.14 ही लेनी पड़ेगी, किसकी बजाय, हमें 22/7 के बजाय. तो रेडियस का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा 3.14, रेडियस स्क्वायर आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा 3.14. अब 3.14 का पॉइंट हटाना है तो कैसे हट सकता है, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, ऊपर 100 करेंगे ये कट हो गया, आपकी रेडियस का स्क्वायर क्या आया, 100. और 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो यहां से रेडियस कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, 10 मीटर आपकी रेडियस आ जाएगी. रेडियस होगी 10 मीटर लेकिन आपकी रेडियस कितनी है, 12 मीटर, तो ये इसको कवर नहीं कर पाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल. आपको एक ही छोटा सर्कल दे रखा है, एक ही बड़ा सर्कल दे रखा है, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है. सर्कमफ्रेंस होती क्या है आपके पास सर्कल की, 2πr. सर्कमफ्रेंस यही होती है सर्कल की, 2πr. ठीक है, अब अगर हमें छोटे सर्कल की बड़े सर्कल की रेडियस तो पता है, ये सेंटर है इस सर्कल का, ये रेडियस है कितनी है, 19 मीटर. तो आउटर सर्कल की क्या हो जाएगी सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है आपकी, 19, ये आपकी आ जाएगी सेंटीमीटर, 19 मीटर ये रेडियस आ जाएगी जब मल्टीप्लाई करोगी. अब बात रहेगी छोटे वाले सर्कल की, इनर जो सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, इनर सर्कमफ्रेंस आपके पास होगी 2πr और r क्या है यहाँ पे, रेडियस ये 10 है. अगर मैं इस टोटल लेंथ की बात करूं, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, क्योंकि रेडियस होती है सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को मिलाने वाली लाइन, तो ये रेडियस होगी, रेडियस है कितनी, 19, तो ये 10, ये एरिया कितना बच गया, ये लाइन का एरिया कितना बच गया, 9 मीटर. तो यहां से यहां तक की लेंथ होगी 9 मीटर. क्या ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस नहीं है, बिल्कुल है. तो छोटे सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 9 मीटर, ये आपकी इनर सर्कमफ्रेंस हो जाएगी छोटे वाले सर्कल की. क्वेश्चन नंबर 16,
हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर. 300 एक व्हील है, सर्कुलर शेप में होता है. इस व्हील को 352 मीटर एरिया कवर करना है. तो इसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है, तो इसको कितने रोटेशन करने पड़ेंगे. अब ये व्हील रोटेट होगा तो इसकी सर्कमफ्रेंस की रिक्वायरमेंट है, एरिया तो हमें चाहिए नहीं, अंदर का तो पार्ट चाहिए ही नहीं, क्योंकि व्हील आगे बढ़ेगा तो सिर्फ ये जो इसकी बाउंड्री है इसका यूज होगा. बाउंड्री के लिए हम क्या निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस आपकी क्या आ जाएगी व्हील की, 2πr. आर है 28, 7 × 28 क्या आ जाएगा आपके पास, 170. क्या आ जाएगा, 8 × 16, 16 + 1 = 17 सेंटीमीटर. अब आपको सेंटीमीटर में गिवन थी ना रेडियस, तो ये आ गया सेंटीमीटर. लेकिन आपको जो डिस्टेंस है वो कितना है, 352 मीटर गिवन है. तो पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में. 352 मीटर इज इक्वल टू, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर. क्या आ जाएगा, 35200 सेंटीमीटर. अब ये डिस्टेंस कवर करना है तो एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन कितना है आपके पास, 176 सेंटीमीटर कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन. एक रिवॉल्यूशन में इतना एरिया ये कवर कर लेगा, एक बार घूमेगा आपका व्हील तो इतना एरिया कवर कर लेगा. 1 सेंटीमीटर कवर करेगा किसमें, अब ज्यादा का पता है और 1 का पता करने, तो 1/176 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे. और एरिया कवर करना है 35200 सेंटीमीटर. अब 1 का पता है और ज्यादा का करना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती, क्या आ जाएगा, 1/176 मल्टीप्लाई बाय 35200, कट हो जाएगा 200 पे. तो इसको पूरे 200 इवोल्यूशन क्या करने पड़ेंगे, कंप्लीट करने पड़ेंगे, ये एरिया कंप्लीट करने. थैंक यू क्लास.